कि मुझे अपने आप को काम में झोंकना पड़ेगा, नहीं तो चिंता की आग मेरी जिंदगी के फूल को मुरझाने में पूरी ताकत लगा देगी। इसलिए मैंने अपने आप को व्यस्त रखना है, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ, चिंता से मरना नहीं चाहता। तो काम में जुटो, और सिर पकड़कर बैठकर चिंता करने से अपने को बचाओ। हर समय सिर पकड़ के रहना और काम भी करते जा रहे हैं, चिंता में आकर काम करना नहीं, पूरे मन से और मस्त रहने की आदत। अब आप कहेंगे कि इतना करने के बाद भी चिंता तो जाती नहीं। ज़्यादातर चिंता जो होती है उसका मेन मुख्य कारण एक बात से माना जाता है, आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन डिसीजन लेना चाहते हैं सही जानकारी नहीं होने से, सही तथ्य सामने न होने से आप निर्णय नहीं ले पाते। निर्णय ना कर पाने के कारण आप जिस स्थिति में रहते हैं वो चिंता का कारण बनती है कि मैं नहीं समझ पा रहा मैं क्या निर्णय लूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे नहीं सूझ रहा कुछ भी। उस क्षण में चिंता होती है। तो इसका मतलब सीधा हुआ कि सही जानकारी का अभाव चिंता का कारण है। सही जानकारी यदि आपको है तो आप सही निर्णय लेंगे, और सही निर्णय आपने लिया तो आपकी चिंता गई। तो ये निवेदन सभी से कि कोई भी समस्या है, क्यों है, कैसे है, किस तरह है, उसकी जानकारी लो, समाधान के बारे में सही तथ्य इकट्ठे करो, सही चीज़ें जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने होने चाहिए, और फिर निर्णय लो। निर्णय लेते ही आपकी समस्या का समाधान होना शुरू हो जाता है। निर्णय के अभाव में समस्या है, और निर्णय तब नहीं हो पाता जब आपको सही जानकारी नहीं होती, गलत निर्णय आप कर बैठते हैं। इसलिए व्यस्त रहने से चिंता जाएगी, सही तथ्यों का विश्लेषण करके निर्णय लेने से चिंता आपकी जाएगी, और एक अच्छी उम्मीद मन में बनाकर सकारात्मक दृष्टि रखकर सोचने से भी आपकी चिंता जाएगी। सकारात्मक दृष्टि रखकर यदि आप सोचेंगे, जैसे जीसस ये कहते हैं कि आपके भीतर ही प्रभु परमात्मा का साम्राज्य है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि नरक का साम्राज्य भी आपके अंदर ही है। तो मतलब ये है कि जहाँ आनंद, जहाँ चैन, जहाँ प्रसन्नता, जहाँ खुशियाँ, जहाँ निश्चिंतता, जहाँ निर्भयता होती है, वो जगह है परमात्मा का साम्राज्य। वो कहाँ है, बोले तुम्हारे अंदर। और जहाँ सारी चिंता, सारे भय, सारे दुख, सारी परेशानियाँ रहती हैं, वो कौन सी जगह है, वो कहते हैं कि वो नरक का साम्राज्य। वो कहाँ है, वो बोले वो भी तुम्हारे अंदर। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको परमात्मा का साम्राज्य जगाना चाहते हो या नरक का साम्राज्य जगाना चाहते हो। मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को प्रशिक्षण दें निश्चिंत होने का, निर्भय होने का, साहसी होने का, आनंदित होने का, परमात्मा के साम्राज्य को जगाने का प्रशिक्षण दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। और अगर आप अपने को ट्रेंड नहीं करेंगे तो नरक का साम्राज्य अपने आप जाग जाएगा। नरक को लाना नहीं पड़ता, आ जाता है। दुख को बुलाना नहीं पड़ता, आ जाता है। खुशी अपने आप नहीं आती, उसको लाना पड़ता है। अंधेरे को करने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रकाश लाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। कपड़े साफ करने के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, कपड़े तो गंदे अपने आप होंगे। इसलिए अच्छाई के लिए हमेशा आपको तैयारी करनी होगी, शुभ के लिए आपको प्रयास करना होगा, ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करना होगा, निश्चिंतता लाने के लिए प्रयास करना होगा। तो अपने आप को ट्रेंड करें, अपने आप को प्रशिक्षण दें। बात को थोड़ा स्पष्ट करता हूं, क्योंकि थोड़ा बोझ ना लगे आपको, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कोई विचार मन में बार बार जो आता है तो छटनी करो पहले। ये भय का विचार, ये चिंता का विचार, ये निराशा का विचार, इधर ये उत्साह का विचार, ये निश्चिंतता का विचार, ये निर्भयता का विचार, अंतर करो दोनों में। अंतर करने के बाद छटनी करो, मुझे चिंता नहीं करनी,
क्योंकि मैंने केवल चिंता से इतना ही सबक लेना है कि मैंने सतर्क रहना और सावधान होना और प्रार्थना करो, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमात्मा कि तूने मुझे सतर्क और सावधान करने के लिए चिंता भेजी और कहा कि चिंता को भेज रहा हूँ, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, कर्मठ बनो और जूझो। तो मैंने चिंता जो संदेश लेकर आई है उससे संदेश ले लिया, अब अपनी चिंता को आप ले लीजिए और बाकी काम मैं अपने आप करूँगा, सतर्क रहूँगा, सावधान रहूँगा, अपना काम करता रहूँगा, बोल देना भगवान को और अपने काम में जुट जाना। मैंने मैसेज ले लिया भगवान, वो ज़्यादा मैसेज ना दे बैठे, इसलिए आप उसको तो अपने पास बुलाओ, बाकी मैं सतर्क हो गया हूँ। निवेदन कर लेना, हर चिंता सतर्कता सावधानी के लिए आपको जागरूक करने के लिए आती है, तो बस उससे उतना संदेश लेना, उसको घर का मालिक मत बना देना, नहीं तो वो ही बैठी रह जाएगी और घर के लोग बाहर हो जाएंगे, तो उसको उतनी देर के लिए बैठने देना, उसके बाद उसे निकालो। करना क्या है उसको पर ध्यान देना शुरू करो, जाना किधर है उस पर ध्यान देना शुरू करो, समस्या का समाधान करने पर ध्यान देना शुरू करो, तो आपकी चिंता भागेगी। इस बात को याद रख लीजिए। एक बात और, लंबे गहरे सांस लेना, हंसने मुस्कराने की कोशिश करना, गाने गुनगुनाने की कोशिश करना और बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर, भाई काम में लगे हुए थोड़ा ध्यान बटाएं, थोड़ी देर के लिए ध्यान बटा लो और उसके बाद अपने काम में फिर जुट जाओ। मन को ये समझा दो कि मैंने समाधान के लिए ये तरीके ढूंढ लिए हैं, अब इस पर और थोड़ा सा ज़्यादा बेफिक्र हो सकूं तो इसके लिए और स्पेशलिस्ट की राय लेनी है, विश्लेषण कर लेना, उसके बाद सब ठीक होगा। ये मन को समझाए, अब अंदर विश्वास पैदा करो, मैं कामयाब होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा, मेरे साथ सही हो रहा है, मैं कर्म कर रहा हूँ, बात बन जाएगी, चिंता नहीं रहेगी। ये जैसे विश्वास आप जगा दोगे तो वो बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और अगर विश्वास नहीं जगा पाओगे तो ये ध्यान रखिए कि विश्वास न होने के कारण चिंता जो है वो अपना काम करती चली जाएगी। तो चिंता को सही तरीके से, सही तथ्य और सही जानकारी हासिल करके ख़त्म करने का रास्ता बनाएं। और इसके लिए मैं ये कहूँगा, जैसे चाइनीज लोग एक बात कहा करते हैं, उनके यहाँ एक कहावत है कि 10,000 शब्द और एक चित्र बराबर है। मतलब कोई चीज़ आप 10,000 शब्दों में कहोगे उसके बजाय एक चित्र बनाकर पेश कर दो, ऐसे ही चिंता को देखना हो तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक बरगद का पेड़ सैकड़ों वर्षों से खड़ा है, उसकी छतनार शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, अब तक जिंदा रहा लेकिन अब नहीं रह पाएगा क्योंकि उसके जड़ों में दीमक लगी हुई है। तुम होगे बहुत बड़े आदमी, बहुत ऊंचे इंसान, आसमान की ऊंचाइयां छू ली, आगे कितना टिक पाओगे नहीं कहा जा सकता क्योंकि तुम्हारी जड़ों में चिंता की दीमक लगी हुई है। इस चित्र को याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, बरगद में लगी हुई दीमक, ये एक चित्र याद रख लीजिए, बस चिंता समझ में आ जाएगी। जैसे चिंता काम करती है वैसे दीमक काम कर रही है, मतलब पूरी कहानी को देखने के लिए एक चित्र सामने रख लो आप। या दूसरा तरीका, एक चित्र और देता हूं। पिछले दिनों एक अमेरिकन लेखक को पढ़ने को का जब अवसर मिला तो उसकी शैली मैंने इसी रूप में देखी। वो एक वाक्य लिखता है, उसके बाद उसके पॉइंट्स लिखता है, फिर उसके ऊपर लिखकर समझाने की कोशिश करता है और आखिर में जाकर एक चित्र बनाता है कि इस चित्र को देखो, इसकी कल्पना करो, और फिर कहता है कि ये चित्र ही है जो चैप्टर मैंने तुम्हारे सामने रखा, और आखिर में कहता है विश्लेषण क्या है, समझ में क्या आया। उसे देने के बाद में एक पॉइंट देता है, अब नए संकल्प क्या हैं। लिखने वालों में, चिंतन करने वालों में अलग अलग शैली होती है, लेकिन उसकी शैली मुझे बहुत अद्भुत लगी।
तो मैं भी आपके सामने दो चीज़ें रख रहा हूँ कि मैंने आपके सामने प्रवचन किया, बहुत सारी बातें आपको कही, शायद कुछ समझ में नहीं आई, अब आखिर में चित्र दे रहा हूँ, एक बरगद उसके अंदर लगी हुई दीमक, और अगर आप देखें तो दो पेड़ रख लेना, दो बरगद के पेड़ हैं, एक वो वैसा ही हरा भरा वैसे ही तरोताज़ा, एक वो जो उखड़ कर गिर गया है और ऊपर दिखाई दे रहा है कि जड़ों में उसके दीमक थी। और मन में ये विचार रखना कि ये वृक्ष जो हरा भरा दिखाई दे रहा है इसलिए क्योंकि दीमक नहीं लगी, और अगर लग गई तो ये भी ऐसे उखड़ कर गिरेगा। अब दूसरा चित्र लीजिए, आप हर घर में जहाँ भी रहते हैं वहाँ पिलर होते हैं जो दीवारों के बीच में छिपा दिए जाते हैं, सारा घर उसी पर टिकता है, लेकिन कहीं कहीं पिलर ऐसे भी होते हैं किसी भवन में, जैसे यहाँ भी आप बैठे हैं तो यहाँ पिलर हैं सामने, लेकिन किसी पिलर में अगर जंग लग जाए तो उस पिलर को याद करना। जंग लग जाए तो नीचे से जंग लग गया, बाहर से दिखाई नहीं दे रहा लेकिन जड़ों में जंग लगा हुआ और वो गहराई तक फैल गया, इसका मतलब है कभी भी पिलर गिरेगा और पूरा भवन धराशायी हो जाएगा। उस चित्र को याद रखना और शब्दों को सोचना कि ऐसे बाहर से दिखाई नहीं देता कि कोई जंग लगा हुआ अंदर, चिंता का जंग अंदर काम कर रहा होता है, वो ऐसे खोखला कर देता है कि कब आदमी गिर जाए। तो क्या करना चाहिए, विश्लेषण करो, देखते रहो, अपने खंभे के आसपास थोड़ी मिट्टी कुरेद कर देख लिया करो कि कहीं जंग वंग तो नहीं लग रहा, तो थोड़ी पॉलिश कर लिया करो, इतना ही तो काम करना। कहते हैं कि हर एक भयंकर समस्या को, भयंकर आग को ठीक समय पर एक गिलास पानी डालने से बुझाया जा सकता था, लेकिन ठीक समय पर पानी डाला नहीं जा पाता। अधिकांश रूप से ये उदाहरण सटीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल एकदम पेट्रोल में गैस में आग लगे वहाँ एक गिलास पानी से काम नहीं होता, पानी डाल भी दोगे वो और भड़क जाएगी। वो ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि आग एक गिलास पानी से ठीक समय पर जब पहली चिनगारी उठे बुझाया जा सकता है। ऐसे ही आपके पास आती हुई समस्या का समाधान ठीक समय पर हो जाए तो काम बनता है। तो ऐसे ढंग से आप अपने आप को विश्लेषण करना शुरू कीजिए कि मैंने अपने को ठीक करना है और चिंता मुझे कहीं खा ना जाए, अगर खा गई तो फिर कुछ भी बचेगा नहीं। मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। दुनिया का एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ टॉलस्टॉय, और किसी समय उस व्यक्ति के का इतना क्रेज था कि पागलों की तरह लोग उसे देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए उसके घर के आसपास खड़े होते थे जैसे तीर्थ में आए हों। इतना कमाल का लेखक था और इतना आकर्षक व्यक्ति, ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति। उसकी शादी जिस लड़की से हुई तो दोनों बहुत प्यार वाले लोग लगते थे, घुटनों के बल बैठकर भगवान से ये प्रार्थना किया करते थे कि जिस अमिट अमर प्रेम को तुमने हमको दिया है, इस प्रेम के साम्राज्य में भगवान हमेशा हमेशा हमें रखना और ये स्वर्ग हमारा हमसे छिन न जाए। लेकिन जिंदगी कहाँ कैसे मोड़ लेती है। उनकी ज़िंदगी में ये हुआ कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा शक्की स्वभाव की थी और यहीं से ज़िंदगी नया मोड़ ले बैठी। पत्नी को हर समय लगता था इतने चाहने वाले लोग आसपास घूमते रहते हैं, ज़रूर कोई इसको छीन ले जाएगा मुझसे, तो इस पागलपन में वो भेष बदल कर और उनकी जासूसी करती थी। यहाँ तक कि किसान वाले कपड़े पहनकर
उनके पीछे जाती थी, और कभी कभी तो वो जंगल में भी बेचारे घूम रहे होते थे तो वहीं पेड़ के पीछे से झांकते दिखाई देती थी, वहीं दोनों की लड़ाई होती थी खूब जम के। मैं ज़्यादातर जो ऐतिहासिक उदाहरण दिया करता हूँ इसलिए दिया करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी झूठी बात सुनाकर सच्चाई को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, बात वो सुनाई जानी चाहिए जो सच हुआ हो दुनिया में, तो सच को समझाने के लिए सच का सहारा लेना चाहिए। अब मैं आपको बात आगे बढ़ा रहा हूँ। जंगल में ही दोनों झगड़ पड़े और बात यहाँ तक बढ़ी कि उन लोगों ने प्रेम की नगरी को पागलखाना बना लिया, अपने घर को पागलखाना बना लिया। पड़ोसी कहने लगे, ये जो घर है ना, ये घर नहीं, यहाँ पागलों का डेरा है, दो पागल यहाँ रहते हैं, देखना बाहर निकलेंगे बड़बड़ाते हुए, और अगर किसी ने कोई लाइव प्रोग्राम देखना हो तो यहाँ खड़े हो जाया करो, एकदम अच्छा कार्यक्रम दिखाई देगा और रोज़ नया नया प्रोग्राम होता है। और वो कितनी पागल हो चुकी थी, एक दिन तो बंदूक उठाकर, पति है नहीं, पति उधर कमरे में है, वो गुस्से में बड़बड़ाती रही, और पहले उसने पति के फोटो पर निशाना साधना था, फिर अपनी लड़की को ही के फोटो को रख के सामने गोली मारी और फिर कहा कि अब मैं सबको मिटा दूंगी। आदमी के अंदर पागलपन सवार होता है। इसका परिणाम ये हो गया, पूरी दुनिया को प्रेम बांटने वाला, पूरी दुनिया के लिए सुंदर उपहार लेकर आया हुआ इंसान ऐसा दुखी हो गया, उसने अपनी पत्नी के लिए एक किताब लिखनी शुरू की जिसमें उसने लिखा कि किस तरह जिंदगी नरक बनी, किस तरह मैं पागलखाने में सवार हो गया अपने घर के पागलखाने में। वो लिखता जा रहा था, पत्नी की आदत थी जासूसी करने की, झांक के देख रही लिख क्या रहा है ये। किताब उसकी ढूंढ के निकाली, निकालने के बाद उसने पढ़ा, पढ़ने के कहा अच्छा ये मेरे बारे में लिख रहा है, अब मैं बताती हूँ इसको। उसकी किताब तो उठा के जला दी और उसके बाद उसने अपनी किताब लिखनी शुरू की कि देखने के लिए तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखता है लेकिन ये आदमी है क्या, मैं बताऊँगी दुनिया को। उसने अपना पागलपन पूरे एक डायरी में लिखा और किताब बना के छपवा दी। एक ऐसा इंसान, दुनिया का महान ऊंचा पहुंचा हुआ इंसान, सारा रूस गर्व करता है कि हमारे देश में एक ऐसा महान इंसान हुआ जिसका नाम टॉलस्टॉय था, और उसको एक झटके में उसकी पूरी जिंदगी को नरक बना के रख दिया। और उस समय को याद कीजिए जब ये व्यक्ति मरा, घर से निकल गया, रात में बर्फ पड़ रही है, इसको निमोनिया हो गया और मरने के करीब था, तो रेलवे स्टेशन में, छोटा सा रेलवे स्टेशन था, उसके प्लेटफार्म पर जाके लेटा पड़ा था। रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर था, जब उसे पता लगा, वो भागता हुआ आया और सारी दुनिया इकट्ठी हो गई, इतना बड़ा आदमी यहाँ पड़ा हुआ, सबने कहा इलाज के लिए ले जाते हैं, उसने कहा नहीं समय नहीं रहा मेरे पास। तो घर को सूचना दी गई, उसकी बेटी आ गई, पत्नी भी आ गई, तो उसने इशारे से सबको मना कर दिया, भीड़ चारों तरफ इकट्ठा है, वो लेटा पड़ा है, आखिरी दम विदाई लेने लगा दुनिया से। तो इशारे से उसने स्टेशन मास्टर से कहा बस मेरी बेटी को पास आने देना कि जब दुनिया को मैं छोड़ रहा हूँगा तो मेरे पास कोई और नहीं रहना चाहिए, सिर्फ मेरी बेटी होनी चाहिए। बेटी पास में आई तो उसने कहा माँ, मतलब मैं बुलाऊँ क्या माँ को? इसने हाथ दबाया और कहा, उसने मुझे ठीक से जीने तो नहीं दिया, तो चैन से मर जाऊं मैं, इसलिए उसे मत आने देना, नहीं तो मुझे मरने भी नहीं देगी चैन से। और फिर उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर दबाया और प्यार से कहा अच्छा अलविदा कह रहा हूं।
और दुनिया से चला गया। तो एक जिंदगी कैसे नरक बनती है नहीं समझे तो जीवन नरक बन गया, और समझ जाते तो कहां तो उनकी प्रार्थनाओं में इतना प्यार भरा हुआ होता था और कहां उनके रोम रोम में नफरत जहर 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 फैलता चला गया। और कमाल की बात, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, झुकने को कोई तैयार नहीं, सब एक दूसरे को झुकाने में लगे हुए थे। तो न जाने कहां कहां कैसे आकर जिंदगी जहर के हवाले हो जाती है। जहर एक तरह के नहीं होते, बहुत बहुत तरह के होते हैं। चिंताओं से, तनावों से, भय से हम अपना घर पागल खाने में तब्दील करते हैं, परिवर्तित करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, हम अपनी नासमझियों से भी अपने घर को पागल खाने में बदल लेते हैं। गलत फहमियों में ज़िंदगी गुजारी, कभी तुम न समझे कभी हम न समझे। गलत फहमियाँ रहें तो ज़िंदगी नरक तो बन ही जाती है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी से, न जाने कैसे कैसे पागल खाने हम लोगों के आसपास हैं। अगर कभी ऐसा सामना करना पड़ जाए तो पागल को आप नहीं हरा सकते। खुद हार जाओ, झुक जाओ, रास्ता निकाल लो, रास्ता बदल लो। दुनिया इतनी पागल है, उसको बदल पाना बहुत मुश्किल बात है। अपना ही इलाज करना है, अपने ही पाँव में जूते पहनकर निकलना होगा। सारी ज़मीन के कांटे आप नहीं काट सकते, और अगर सारी ज़मीन के कांटे काटने में लगोगे तो सारी ऊर्जा कांटे हटाने में लग जाएगी। बस अपने पाँव में जूते पहनकर निकलोगे तो कोई कांटा आपको असर डाल ही नहीं पाएगा, कोई कांटा चुभ ही नहीं पाएगा। इसलिए जूते पहनो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि निकलते चले जाओ, हर स्थिति से, हर परिस्थिति से, किसी भी स्थिति में आप अपने आप को कहीं भी दबने मत दीजिए, अपने आप को मिटने मत दीजिए। तो मैं कुछ चीज़ें आपको इस समय कहूँगा जिन्हें आप ध्यान से सुनेंगे और विचार बिंदुओं की तरह उन्हें आप अपने मन में रखेंगे। सबसे पहला शब्द, विचारों से जीवन बनता है। बीमारी के विचार मन में रहेंगे तो आपको बीमार करेंगे, बीमार विचार आपको बीमार करेंगे, डर के विचार आपको डराएंगे, चिंता के विचार आपको चिंतित करेंगे। यदि डर है दिमाग में तो विचार डर के ही उत्पन्न होंगे और वो हमको डराते रहेंगे। जीवन में सुखद अनुभूतियां करते हुए सुख के विचार मन में पैदा करो, सुख के विचार बढ़ते चले जाएंगे और सारा वातावरण सुखद होता चला जाएगा। आशंका के को मन में धारण कर लिया तो आशंका के विचार मन में आते जाएंगे, आशंकाएं और शंकाएं चारों तरफ गिरती चली जाएंगी। आपको लगता रहेगा कोई भी हंस रहा है तो मेरे ऊपर ही हंस रहा है, कोई भी बात कर रहा है तो मेरे ऊपर ही बात कर रहा है। तो आपको बार बार सोचना है कि मेरे मन में आते हुए विचार किस तरह के हैं, मैंने कैसा सोचना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए। चिंता का विचार जब भी मन में आए तो एक बात जरूर सोचना कि चिंता का मतलब होता है जैसे किसी पागल व्यक्ति का एक ही जगह में गोल गोल घूमते जाना, कि चिंता मुझे पागल बनाकर एक ही दायरे में घुमा देना चाहती है, मैं इसके चक्कर में आने वाला नहीं हूँ, मैंने सिर्फ स्वयं से मीटिंग करनी है, मैंने अपनी योजना बनानी है, मैंने अपना समाधान खोजना है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, हर वह चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपके किसी न किसी विचार का ही परिणाम बनेगी।
अब तक जो कुछ आपने हासिल किया है, प्राप्त किया है, वो भी किसी न किसी विचार के अंदर आने के कारण ही आप उसे प्राप्त कर पाए। तो इसका मतलब ये है, विचारों को ऐसा बनाओ कि वो जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपके विचार इस्तेमाल हो सकें। ज़िंदगी में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाकर अपने विचारों को बदलो, विचारों से परिवर्तन लाओ, परिवर्तन से विचार बनाओ, और इस तरह से जब विचार अच्छे बन जाएंगे ज़िंदगी बदलेगी और इससे आपकी चिंताएं भी खत्म होंगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि परमात्मा ने आपको जो धरती का साम्राज्य दिया है, हिमालय, सुंदर गंगा, अच्छी प्यारी नदियाँ, चांद सितारों से भरा हुआ आसमान और फूलों फलों से लदी हुई ये धरती, ये जो भी कुछ आपको दिया गया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस सब में आपकी दिलचस्पी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात ज़रूर आपके मन में होनी चाहिए कि इस धरती पर मेरा साम्राज्य रहे न रहे, लेकिन मेरा खुद पर साम्राज्य जरूर रहे। मैं खुद को अपने वश में जरूर रखूं, मैं अपना मालिक बनकर जी सकूं। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गई, कोई चिंता आपका कुछ भी सुख चुरा नहीं सकती, ना आपका कुछ छीन पाएगी। इसलिए अपने आप को अपनी भावनाओं पर काबू पाने की चेष्टा करना, खुद पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करना। कोशिश करिए दुनिया जैसी है, जिस तरह की है, उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए। हमारे कहने से, जोर लगाने से दुनिया नहीं बदलेगी। जो परिवर्तन हमने लाना है अपने अंदर ही लाना है। और मुझे अमेरिकन राष्ट्रपति लिंकन के ये शब्द याद आते हैं, जो उन्होंने कहे थे कि लोग उतने ही सुखी होते हैं जितने का वो संकल्प करते हैं। शब्दों पर जोर देना, मस्तिष्क में दबाव डालना कि लोग उतने ही सुखी होते हैं जितने का वो संकल्प करते हैं। ज़्यादातर लोगों की स्थिति ये होती है, वो ज़्यादा सुख की बात सोच ही नहीं पाते हैं। नहीं, मुझे अगर भगवान देगा भी ना, बस 100 या 50 रुपए देगा, या भगवान मुझे देगा 1-2 लाख ही देगा, वो सोच ही नहीं सकता। वो 10 करोड़ भी दे सकता, उनकी कल्पना शक्ति वहाँ तक जा ही नहीं सकती। कोई आदमी आपसे कहे कि हो सकता है भगवान कभी सपने में आकर आपको राजा बना दे, बोले नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है, गांव का सरपंच जरूर बना सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा है। हम अपनी कल्पना को वहां तक ले जा ही नहीं सकते, हमारे संकल्प ज्यादा बड़े हो ही नहीं पाते। इसलिए भिखारी अगर भगवान से कुछ मांगेगा, वो ज्यादा से ज्यादा इतना ही कह सकता दिवाली पर भी कि भगवान कार देना, उसी में बैठ के भीख मांगा करेंगे, बस इतना ही मांग सकता है, इससे ज़्यादा वो मांग ही नहीं सकता। भीख मांगने में ज़रा दिक्कत होती है, जाना पड़ता है दूर दूर, तो कार में बैठ के जाया करेंगे। वो ये कभी नहीं सोच सकता भीख मांगना छूट जाए, राजा बन जाऊं और मैं ही दुनिया को भीख देने लग जाऊं। भिखारी दाता होने की बात सोच ही नहीं सकता, वो तो मांगने की बात सोचेगा। तो लिंकन ने इस बात को कहा कि व्यक्ति की कमजोरी है, वो उतना ही सुखी होता है जितने का वह संकल्प करता है। उतना ही सुखी होता है जितने का वह संकल्प करता है। अगर आप संकल्प ज़्यादा सुखी होने का करोगे तो ज़्यादा सुखी होगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो संकल्प करो कुछ बड़ा, संकल्प आपकी चिंताओं को हटाता है, निर्भय करता है, निश्चिंत करता है। तो संकल्प करो कि आज का दिन मेरे परमात्मा का दिया हुआ सुंदर उपहार है, मैं आज के दिन का भरपूर उपयोग करूँगा, अपने शरीर पर ध्यान दूँगा, अच्छा पोषण दूँगा, व्यायाम के द्वारा इसको बलिष्ठ बनाऊँगा, विश्राम के द्वारा इसकी शक्तियों को जागृत करूँगा, और अपने शरीर को मशीन की तरह प्रयोग करके इसे नष्ट नहीं करूँगा। आज से संकल्प करें, मैं अपने मस्तिष्क को और सशक्त बनाने का प्रयास करूँगा, मैं अपने हृदय को
और अधिक प्रेमपूर्ण और उदार बनाऊंगा। मैं अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर उस ओर जाने के लिए प्रयत्नशील होऊंगा। मैं अपनी प्रतिभा को और अधिक निखारूंगा। मेरे संकल्प और अच्छे होंगे, मेरी योजनाएं और ज़्यादा अच्छी होंगी। मैं अपनी ज़िंदगी को और अच्छे ढंग से डिजाइन करूंगा। आज से मैं ये निर्णय करता हूँ, निश्चय करता हूँ कि मैं जल्दबाजी में नहीं, हड़बड़ाहट में नहीं, सही समय पर सही काम करने की आदत डालूँगा और हड़बड़ाहट में कोई भी निर्णय नहीं लूँगा। मैं आज कोशिश करूँगा कि खुश रहने की आदत डालूँगा। अगर नहीं खुश हो पाया तो खुश होने का अभिनय जरूर करूँगा। यहाँ मैं इसलिए रुक गया हूँ कि अगर खुश नहीं हो पाते तो खुश होने का नाटक ही करो, कम से कम नाटक से असली चीज कभी ना कभी हो जाएगी। कन्फ्यूशस एक बहुत बड़ा चिंतक चाइना का था, जिसने ये कहा था कि हर नाराज आदमी जहर से भरा रहता है और हर व्यक्ति जो स्वयं को पसंद करता और स्वीकार करता है वो अमृत और प्रेम से भरपूर होता है। तो आप स्वयं को स्वीकार करो और अपने अंदर के प्रेम को प्रकट करो। दुनिया से कृतज्ञता की उम्मीद मत रखना कि आपने दुनिया के प्रति इतने एहसान किए हैं तो जरूर लोग आपका धन्यवाद करेंगे, एहसान मानेंगे और आपके सामने झुकेंगे। कभी भी कृतज्ञता की उम्मीद मत करना, क्योंकि जीसस ने भी जितने लोगों को ठीक किया था, 10 थे, उनमें से 9 बिना धन्यवाद किए भाग गए थे, एक ही था जिसने थैंक्स किया था। तो जब उनके साथ ऐसे हो सकता है तो आप कोई जीसस से ज़्यादा बड़े तो है नहीं, आपके साथ तो ऐसा हो गई। तो इसलिए इस दुनिया से कृतज्ञता की उम्मीद मत करना, आप अपना फर्ज निभाना, नेकी करना, दरिया में डालकर आगे बढ़ जाना। इस दुनिया की रीत आपके लिए बदल नहीं जाएगी। मुझे एक और व्यक्ति की बात याद आ रही है। जरा सोचिए कि 10 लाख डॉलर कोई व्यक्ति, $1 कितने का होता है, लगभग आजकल 50 रुपए का $1 हो गया है, शायद घट बढ़ गया होगा, मैं मोटी बात कर रहा हूँ। तो 10 लाख डॉलर कोई किसी को दे तो वो धन्यवाद करेगा या नहीं करेगा? लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने दूसरे को, रिश्तेदार को $10 लाख दिए और उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर उसका रिश्तेदार गालियां बक रहा था, क्यों? $10 लाख देने वाला जो व्यक्ति था वो था एंड्रयू कार्नेगी, जिसने हाउस ऑफ नेशंस के लिए अपने समय में बहुत बड़ी राशि दी थी, जिससे उस समय के सारे देश एक जगह इकट्ठे होकर दुनिया में शांति रखने के बारे में विचार कर रहे थे। उसके लिए उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी राशि दान दी थी। तो आप जरा सोचिए कि वो एंड्रयू कार्नेगी, जिसने $35 लाख चैरिटी में दिया और $10 लाख अपने किसी रिश्तेदार को दिया क्योंकि वो गरीब दुखी रहता था, तो उसकी कब्र पर उसका रिश्तेदार गालियां दे रहा था, इतना नालायक बुढ़ा था कि $35 लाख दूसरों को दे गया चैरिटी में और मुझे दिए सिर्फ $10 लाख। ये है दुनिया, सच्चाई। वो ये चाहता था कि किसी को एक रुपया भी दान ना करता, सारा मुझे दे के जाता। तब क्या कहता वो, बहुत अच्छा मरा बेचारा, मेरे लिए ही मरा है और ठीक टाइम पर मर के गया, इसी समय दे के गया मुझे जो दे के गया। ये दुनिया नहीं बदलेगी, इसकी फिक्र छोड़ देना। मैं तो दूसरों के लिए इतना इतना करता हूँ, मेरे लिए लोग ये करते हैं, जैसी दुनिया है वैसी रहेगी। इसलिए इसकी फिक्र छोड़ दीजिए, अपनी मस्ती में रहो, अपना काम करते चले जाओ और किसी से धन्यवाद की उम्मीद मत करो। आप धन्यवाद करो परमात्मा का और उसी के प्रति आभार व्यक्त करो और उसी के कृतज्ञ रहो, और वो अपने बच्चे को देखकर खुश होता है जो उसको बढ़ता हुआ देखता है।
इसलिए अपने भगवान के प्रति ही अपनी हर कृतज्ञता को प्रकट करो। कहते हैं शेख सादी ने कहा था कि तब तक मैंने शिकायत की थी कि मेरे पास जूते नहीं हैं, फटे हुए हैं, जब तक मैंने अपने खुदा के पवित्र स्थान के पास से गुजरते हुए एक बिना पाँव के घिसटते हुए व्यक्ति को देखा था, जिस दिन मैंने वो देखा तब से मैंने शिकायत करनी छोड़ दी कि मेरे पास जूते क्यों नहीं हैं। मैंने धन्यवाद दिया, जूते लाना तो मेरी जिम्मेदारी थी, पाँव देना तेरी जिम्मेदारी, तूने मुझे पाँव देकर इतना कुछ कृपा कर दी। वे भी तो हैं जिनके पास पाँव भी नहीं। मैं अपनी अकर्मण्यता के लिए, अपने आलसीपन और निकम्मेपन के लिए और तुझसे शिकायत करूं और तेरी कृपाओं के प्रति आभार भी व्यक्त न करूं, मैं कैसा हो गया हूं। गुलिस्ता बोस्ता दो किताबें लिखी, बहुत प्यारी, शेख सादी ने, उन्हीं के वाक्य मैंने आपको सुनाए हैं। जो जो भगवान ने दिया उसका धन्यवाद कीजिए, जिंदगी का आनंद मनाइए, शुक्रगुजार होकर जीने की कोशिश कीजिए, जीवन सच में धन्य हो जाएगा। और यदि आप शिकवे शिकायत में लग गए तो खीज से भर जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, और इरिटेट हुआ आदमी हर समय दुखी रहता, दुख को चारों तरफ फैलाता और बांटता है। जो आदमी जहर से भरा हुआ वो चारों तरफ जहर फैलाएगा, खुद भी दुखी रहेगा, दूसरों को दुखी करेगा। तो जो भी किस्मत ने दिया उसका बेहतर उपयोग शुरू करो आज से, अभी से। पॉइंट को नोट कर लीजिए, दिमाग को रचनात्मक कार्यों में लगाते चले जाओ, कुछ निर्माण, कुछ बनाते रहना, कुछ जोड़ते रहना, कुछ उंगलियां रचती रहें इतिहास, मस्तिष्क कुछ अच्छा बनाता चलता जाए, हमसे कुछ अच्छा होता चला जाए। किसी एक व्यक्ति को बंटवारे में अपने चालाक भाई से एक पत्थरों और खाई से भरा हुआ खेत मिला और उसने ये देख लिया कि जो भाई ने मुझे दिया, चालाक भाई ने अच्छा खेत जिसमें अच्छी फसल हो सकती है अपने पास रख लिया और मेरे लिए छोड़ दी एक खाई और पत्थरों से भरा हुआ खेत। उसने कहा किस्मत ने जो दिया अब उसका भरपूर उपयोग करना है, क्योंकि इससे आगे जो मैंने पहले जल्दी जल्दी पॉइंट सुनाए आपको और फिर बोझिल न लगे तो इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ। ये देना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि वो जो खाया हुआ है वो पछता नहीं। फिर तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने उस खेत को बहुत ध्यान से देखा कि इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। पत्थर निकालने में लगूंगा जिंदगी निकल जाएगी, खाई भरने में लगूंगा जिंदगी निकल जाएगी, तो क्या होना चाहिए। उसके मन में आया कि हाईवे पर है ये खेत, अप्रोच रोड देनी पड़ेगी, उसके लिए भी जगह है, और जो खाई है वो पानी से भरनी पड़ेगी और उसके आसपास पत्थर ऐसे लगाने पड़ेंगे कि जिससे वहाँ अगर मैं पानी का कोई एक छोटा सा पंप लगाकर पानी को बहाना शुरू करूँ तो सुंदरता का दृश्य बन जाएगा। अच्छे पेड़ पौधे लगा दूँ, बेंच वगैरह रख दूँ वहाँ तो लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट हो जाएगा, और पीछे की जो जगह है उसमें एक रिजॉर्ट बना देता हूँ। थोड़ा उधार लेना पड़ेगा बैंक से और मेहनत करनी होगी। उसने एक प्यारा सा रिजॉर्ट बनाया, रिजॉर्ट बनाने के बाद उसने बोर्ड लगाया कि कंक्रीट के जंगलों से निकलकर सुखद आनंद की सैर करने के लिए आपका निमंत्रण है, रिजॉर्ट का नाम लिखा।
परिणाम ये हुआ कि उसके रिजोर्ट में खाना पीना तो बढ़िया मिल ही रहा, रहने की जगह भी हो गई है और देखने के लिए सुंदर दृश्य हैं। कुछ उसके पेड़ों पर पंछी विराजने लगे, कुछ उसने वहाँ ऐसे पंछी पाल लिए, दृश्य ऐसे रख लिए कि उस जगह भीड़ लगने लगी। और फिर उसने ऐसी बेकार ज़मीनों की खोज करनी शुरू की जो जहाँ पड़ी उनको खरीदार ऐसा बनाना शुरू किया और एक चैन बना दी अपने। यूरोप अमेरिका में दूर तक उस व्यक्ति ने अपना फैलाव किया। और एक दिन उसका भाई रोता हुआ आया, बोले मैंने तो तेरे साथ चालाकी की और मैं सोचता था तू बहुत भोला है, पर तू बहुत चालाक निकला, तू बहुत चालाक निकला, मुझे ठग लिया तूने। उसने कहा भाई मैंने तो नहीं ठगा, तुझे तेरी किस्मत ने ठग लिया। मैंने तो जो मेरे परमात्मा ने मुझे या मेरी किस्मत ने मुझे जो दिया था उसका ठीक उपयोग कर लिया, तुझे ठीक उपयोग करना नहीं आया, बस यही एक बात है। तो इसलिए मैंने ये शब्द आपसे कहा कि किस्मत को कोसने की कोशिश मत करना। किस्मत ने जो भी उपलब्धि आपको दी उसका भरपूर उपयोग करने की दिशा में चल पड़ना। और जब इस तरह आप चलोगे तो चिंता का चिंतन करते करते आप उस जगह जाकर बैठोगे जहां आपका स्वागत अनेक अनेक वरदान कर रहे होंगे। लोग कहेंगे ये आदमी कहां से कहां पहुंच गया। इसका मतलब ये नहीं कि बीच बीच में आंधी तूफान नहीं आएंगे, आंधी तूफान आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना हर आंधी तूफान दुख के जब भी आते हैं वो उतने बड़े नहीं होते जितने बड़े आप उनको मानने लग जाते हैं। अगर आपके मानने का तरीका बहुत भारी है उनके लिए तो वो दुख आपको तोड़ कर रख देंगे, और अगर आप उसको हंसकर टालेंगे तो दुख कोई भी आपको छू भी नहीं पाएगा और आप उससे ऊपर उठते चले जाएंगे। महान पुरुषों के पास भी दुख बहुत आए लेकिन उन्होंने दुख को सिर पर ओढ़ा नहीं, मुस्कराते हुए आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने ये भी शिकायत नहीं की कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। न कृष्ण ने, न राम ने, न बुद्ध ने, न महावीर ने। इसलिए परिस्थिति को आप किस तरह महसूस करते हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे तो फिर बहुत बहुत दुख आपके सिर पर आकर बैठेगा। इसलिए उनको याद कीजिए जिन्होंने अपनी कमजोरियों का भी फायदा उठाया, जिन्होंने अपनी दुर्घटनाओं का फ़ायदा उठाया, जिन्होंने अपनी विषमताओं का भी फायदा उठाया, जिन्होंने अपने दुख को भी अपने लिए सीढ़ी बना लिया। उन लोगों को याद कीजिए कि जिनके सामने रास्ते में आती हुई रुकावट की चट्टान जब रास्ता रोक रही थी उन्होंने उसको भी सीढ़ी बनाकर पाँव रखकर और ऊँचे होते चले गए। तो इसलिए किसी भी दुख को, चिंता को, भय को इतना महत्व मत दो कि वह आपकी शक्ति को नष्ट कर दे। इसलिए मैं तीन शब्द और आपसे आखिर में कहना चाहता हूँ, उसके बाद एक भजन में हम लोग शामिल होंगे। और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य के भय को ध्यान में रखकर हम चिंतित होते हैं। भविष्य अभी आया नहीं है और जो बीत चुका वो लौटेगा नहीं। जो समय चल रहा है उसका पूर्ण आनंद लीजिए, भरपूर वार समस्या के साथ कीजिए, लेकिन सोच समझकर और सही मस्तिष्क बनाकर सही निर्णय लें। मस्तिष्क को शांत रखें, हंसे मुस्कराएं, मस्तिष्क की ताजगी को बनाए रखने के लिए प्रयोग करें। आपके मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना चाहिए, व्यायाम उसमें सहयोगी बनेगा। हंसते मुस्कराते रहने से जीवनी शक्ति आपकी बढ़ेगी। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए रोज़ कोशिश करते रहो और उससे आपको बड़े से बड़ी समस्या का समाधान करना आएगा। इसी के साथ साहसी बनो, डरपोक नहीं। कायर बनने से आप कमज़ोर बनते हैं। नशा करने से और ध्यान हटाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। उसको फाइट करो, भागने की कोशिश नहीं करनी, जागने की कोशिश करनी है। वीर बनकर जिए, बहादुर बनकर जिए, कायर डरपोक बनकर नहीं जिए। आप देखेंगे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और ये भी बात याद रखिए
जब भी आप बहादुरी से कदम आगे बढ़ाओगे, आपका परमात्मा आपके साथ है, आगे बढ़ते हुए को भगवान भी मदद करता है और पीछे हटते हुए को भगवान भी मदद नहीं करता। इसलिए कुछ कदम आप बढ़ाओ और कुछ कदम के लिए भगवान आपकी मदद करे। जब आप कहते हैं कि थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, तो थोड़ा जो ज़रूरत है वो मिल जाता है, और आदमी कहे है कुछ नहीं तू ही दे बस जो कुछ देगा, तो आदमी कहता किससे पाला पड़ गया। थोड़ा कदम आप बढ़ाओ और थोड़ी मदद भगवान करे। भिखारी भी अपने कटोरे में इसलिए पहले भीख डाल के जाता है क्योंकि खाली कटोरे में कोई कुछ नहीं डालेगा, उसके कटोरे में पड़ी हुई भीख को देखकर आदमी कुछ देने लग जाता है। इसलिए जब आप कहोगे बाकी तो मैं कर लूँगा, थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है भगवान, तो थोड़ी सी मदद उसकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन भगवान भी ये देखता है पहले इसके कटोरे में कुछ है भी या नहीं है, इसने कुछ मेहनत करी है या नहीं करी है, ये कोई सही दिशा में चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो उतने के लिए आपको खुद प्रयास करना होगा, उतने के लिए आपको खुद कोशिश करनी होगी। तो जो मैंने कहा उसे आप ध्यान रखेंगे और ये सोचते हुए कि मेरा दृष्टिकोण यदि बदलेगा तो मेरे लिए पूरी सृष्टि ही बदलेगी। तो दृष्टि को बदलो, सृष्टि को बदलो, दिशा को बदलो, दशा को बदलो। कहते हैं ना, नजरें बदली नज़ारे बदल गए, नजरें बदली नज़ारे बदले, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदले। बस आप अपनी दृष्टि ठीक कर लीजिए, आपकी सृष्टि निश्चित रूप से ठीक होगी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए, और एक भजन हम लोग मिलकर बोलेंगे। कभी कभी जब आप ऐसा महसूस करें कि मैं थोड़ा दबाव महसूस कर रहा हूँ, तो फिर कोई ऐसे भजन आप गा सकते हैं जिसमें आप भगवान से अपना दुखड़ा गा सकते हैं, रो सकते हैं। लेकिन एक निवेदन करूँगा, दुनिया के सामने तो कभी कमजोरी प्रकट करना नहीं, क्योंकि दुनिया कमज़ोर के साथ नहीं है। खिलाड़ी अगर आउट हो गया तो हूट करने के लिए सब खड़े हो जाएंगे, और अगर चार छः छक्के लगा दिए तो तालियां बजा बजा के उसका इतना उत्साह बढ़ाएंगे। कमज़ोर के साथ कोई नहीं है दुनिया में। कमज़ोर अग्नि को हवा बुझाने के लिए आती है, और ज़्यादा अग्नि हो तो उसे बढ़ाने के लिए आती है, नियम है। बकरी की बलि चढ़ाने के लिए सब तैयार खड़े हैं और शेर की तरफ कोई उंगली भी नहीं उठाता, देख के भाग जाता है, गड़बड़ है, इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। कमज़ोर बनोगे बलि चढ़ जाओगे, ताकतवर बनोगे दुनिया डर चिंता भय सब भाग जाएगा। तो दुनिया के आगे नहीं रोना, अगर कहना हो तो भगवान से कहना। आइए मिलकर कहें, बंसी वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है, बंसी वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है, किस राह पे चलना है, किस राह पे जाना है। तूने चलाया
धरती पर तूने पाप मिटाया अपने